नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी, मझगांव डक और HBL पावर। हालांकि दोस्तों ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं, तो इनमें दो स्टॉक की मैं बात करूँ, मझगांव डक और जेन टेक्नोलॉजी, तो ये डिफेंस वाले स्टॉक है। हालांकि दोस्तों डिफेंस में HBL पावर भी है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी बैटरी से रिलेटेड काम करती है, तो ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। हालांकि दोस्तों इन्हीं तीनों स्टॉक से मैं अगर बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि अगर मझगांव डक से रिलेटेड कोई न्यूज आ गया तो मतलब जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक रहेंगे दोस्तों सब में अपने को मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक अभी देखा जाए तो एकदम टॉप पे है, वहीं पे अगर मझगांव डक की बात करें तो ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, और जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी एकदम टॉप पे है और अपर सर्किट चल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में क्या अभी बाइंग करना चाहिए, इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो मझगांव डक हो, चाहे जेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे HBL पावर, दोस्तों सभी स्टॉक एकदम टॉप पे है, तो क्या इन कंपनियों में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारा HBL पावर सिस्टम है दोस्तों। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 4% की तेजी दिखाया। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी के आज की हाई की बात करें तो कंपनी का लगभग 235 रुपए के आसपास हाई देखने को मिलता है। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो कंपनी का लगभग 240 के आसपास हाई है। मतलब क्या है दोस्तों, ये कंपनी गिरावट अभी बीच में दर्ज किया, उसके बाद स्टॉक में तेजी, मतलब क्या है कभी गिरावट होने के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी ही आनी है। हालांकि दोस्तों अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी कहाँ पे है ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद स्टॉक ने सॉलिड रिकवरी किया। इसके बाद अगर हम कंपनी के 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने 185% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 100 रुपये की प्राइस तक चलती है, उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने, मतलब पैसे को कम समय में ही दोस्तों कंपनी ने डबल किया है। हालांकि कम समय की बात करें तो 125% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 26 मई 2023 से लेकर के 14 अगस्त 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 125% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी लगभग 600% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये कंपनी एकदम टॉप पे चल रही है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले दोस्तों ये कंपनी नहीं चल रही थी। नहीं चलने का मतलब क्या है कि अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लगभग देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी आप कह सकते हैं कि लगभग 70%, 80%, 60% के आसपास ये कंपनी डाउन थी। उसके बाद की बात करें तो एक ज़बरदस्त कंपनी रिटर्न बना के दिया, और फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो 500% इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। मतलब कंसोलिडेट करने के बाद ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। हालांकि दोस्तों स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है तो बताना चाहते हैं कंपनी अपने परफॉर्मेंस के दम पे मतलब तेजी है दोस्तों, क्योंकि बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस समय जो इस कंपनी में भी निवेश हो रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 46% से जंप होते हुए दिख रहा है। इनकम की बात करें तो वो भी 150%। अगर EPS की बात करें तो EPS भी कंपनी का जंप ही है। मतलब क्या है दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन सारा कुछ कंपनी का अच्छा है दोस्तों। तो इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी में अपने को तेजी है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में अभी निवेश करना है या नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए ये भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। हालांकि बैटरी सेगमेंट की बात करें तो वर्ल्ड की दूसरी या तीसरी कंपनी आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में मतलब देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा नहीं। अगर हम एक्साइड की बात करें, अमराजा बैटरी की बात करें तो 4 व्हीलर में आप कह सकते हैं, एक्साइड की बात करें तो 2 व्हीलर में जो है कि, और इस कंपनी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में देखिए जो भी रिटेलिस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। शॉर्ट टाइम की बात करें तो इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है। ये बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी होने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें वैल्यूम बनता है। और सेकंड दोस्तों 6,000 करोड़ की कंपनी है, और मतलब देखा जाए तो कंपनी 7 अगस्त 2023 को एक नया हाई लगाया था, और आज की बात करें तो आज भी 234 रुपये, मतलब क्या है दोस्तों हाई के करीब ही चले। मतलब कोई भी इस कंपनी में जिसने भी अभी तक निवेश किया है किसी को लॉस नहीं है। तो ऐसे में जो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचेंगे दोस्तों उनको लॉस नहीं होगा। हालांकि जो शॉर्ट टाइम में सोचेंगे दोस्तों, मतलब क्या अभी मार्केट जो है कि एक बुल रन में चल रहा है, डिफेंस सेक्टर एकदम टॉप पे है, तो जब तक टॉप पे है दोस्तों तब तक मतलब क्या है कि आप एक प्रकार से मतलब बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस समय गिरावट होगी दोस्तों तो एक ज़बरदस्त गिरावट भी कर सकते हैं। इस स्टॉक में 40 लाख टोटल से ट्रेड हुए, 5 मिलियन 4 मिलियन के आसपास वैल्यूम बने हैं, जिसमें 40% माल डिलीवरी में उठाया। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में भी देखा है तो रिटेलर का खास स्टॉक आप कह सकते हैं। हालांकि हाँ, इसके प्रमोटर की बात करें तो कुछ स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं। कंपनी ने दोस्तों रिसेंट में जो है कि 100 करोड़ के आसपास जो है कि एक्सपांस किया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक आप इसको मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर गिरावट होती है देखिए इन स्टॉक के गिरने के कोई भी मतलब चांस नहीं। मतलब क्या है दोस्तों, कभी 5-7% स्टॉक रिसेंट में गिर भी जाता है। ऐसे में अगर आप 1 महीने की चार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट, इसके बाद गिरावट, मतलब क्या है चलता रहता है, फिर गिर जाता है।
तो ऐसे पॉइंट से कभी भी गिरावट भी हो सकती है। तो लेकिन हाँ, तेजी की बात करें दोस्तों, तो रिसेंट में जल्द से जल्द तेजी भी देखने को मिलती है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हालांकि ड्रोन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, और इस कंपनी की बात करें, देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, जो क्वार्टर वन के रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस के दम पे दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि जो भी रिटेलर इस कंपनी में निवेश करेगा दोस्तों, तो एक निगेटिव न्यूज इस कंपनी में एक लोअर सर्किट भी लगा सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि स्टॉक हालांकि गैप अप ही ओपन होता है, जैसा कि यहां पे आप देखते हैं 787 रुपये इस कंपनी का जो कि हाई है, और आज की बात करें जो कंपनी का 52 वीक हाई कर सकते हैं या ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लॉस नहीं होता हुआ दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 856 रुपये और यहाँ पे 853 रुपये, मतलब कितना है दोस्तों, अगर इस कंपनी में 10% का सर्किट होता तो ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती थी। तो ऐसे में देखा जैसे, मतलब अभी क्या होता है दोस्तों, जब अपने फ्लोर प्राइस से कोई भी कंपनी 10 गुना भाग जाती है दोस्तों, मतलब 10 गुना क्या, मतलब डबल रिटर्न बना के देती, बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे देती है, तो उस पॉइंट से देखा है तो मतलब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाती है, एनएससी बीएससी सेबी की नज़र में आ जाती है, तो जो है कि SM GSM लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर भी कंपनी एक साल में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 350% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी भी जबरदस्त गिर सकती है। हालांकि इसका जो अभी तक का हमने टारगेट दिया है, जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है ऐसा। हालांकि दोस्तों मैंने पहले भी इस कंपनी का टारगेट दिया था, जो कि सारे अचीव हुए हैं। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। हालांकि देखिए, बताना चाहते हैं कि स्टॉक में तेजी आने से मैं अपने जो कि पॉइंट को बदल नहीं दूंगा। ये स्टॉक रिस्की है दोस्तों। रिस्की होने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से जो है कि, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग कितना था, 1741 रुपये। हमने इस कंपनी के ऊपर जो है कि वीडियो भी बनाया है कि मतलब रिटेल स्टॉक फंस गए, ऐसा नहीं दोस्तों। कंपनी के अगर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे ना, तो 5 दिन में ये कंपनी गिरावट दर्ज किया था, और उसके बाद देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट ओपन हुआ दोस्तों, तो ऐसा भी नहीं कि ये कंपनी जो है कि गैप अप ही ओपन हुई है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी दोस्तों एक मतलब साइड बेस प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये कंपनी चलती है, उसके बाद देखता जी मतलब तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। आप कह सकते हैं कई बार स्टॉक में तेजी और गिरावट होने के बाद फिर स्टॉक जो है कि लगभग 7% 8% का तेजी दिखाया। तो हालांकि दोस्तों ये रिस्की स्टॉक है। रिस्की होने का मतलब क्या है दोस्तों, हालांकि कंपनी नहीं खराब है, कंपनी के परफॉर्मेंस नहीं खराब है, हाँ इसमें जो रिस्की है दोस्तों मेरे पॉइंट से OFS, तो जिस टाइप का कंपनी तेजी बना रही है दोस्तों, मतलब देखा है तो एक साल में देखेंगे तो कितना 500% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। तो क्या दोस्तों 500% का क्या ये, मतलब आपसे बता दें लाइफ टाइम क्या है कि 500% का ही रहेगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आपसे बता देते हैं इसमें जो है कि गिरावट होगी, हाँ कब होगी दोस्तों, क्या होगा, जो FS है दोस्तों बताना चाहते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने का टाइम बाकी है, मतलब एक क्वार्टर आप और देखेंगे, उससे पहले जो है कि 75:25 का जो है कि रेशियो फुलफिल करके चलना होता है। तो इस पॉइंट से देखा तो ये कि ये रिस्की स्टॉक है। हालांकि दोस्तों कंपनी का जो हाई देखा जाए तो यहाँ पे 2042 रुपये देखने को मिलता है, लो की बात करें तो 300 रुपये, मतलब जो कि ये कंपनी 170-180 रुपये के आसपास भी आई थी। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जिस समय कंपनी के रिजल्ट आए थे दोस्तों, तो कंपनी के जो रेवेन्यू है दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिली थी, लगभग 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तब कहाँ था मार्केट दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, किस स्टॉक में भी एक जबरदस्त ट्रेडिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 450% का कंपनी रिटर्न बना के दे दिया एक साल में, कंपनी की रिजल्ट रेवेन्यू सारा जो कि एक्सक्यूजन की बात करें, मतलब जो कि हर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब उस समय रिजल्ट कंपनी के ख़राब थे दोस्तों, मार्केट को अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू जो है कंपनी के अपने को 2.5% डाउन देखने को मिले। हालांकि इनकम की बात करें सारा कुछ आप कर सकते हैं कंपनी के अच्छे थे। कंपनी के देखा दोस्तों तो रिजल्ट देखिए, जो भी आप रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देख करके बाइंग कर रहे हैं, हाँ आप एक तरफा तेजी देख करके अगर बाइंग करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर ने तेजी देख करके बाइंग किया था, 2000 के ऊपर जो है कि बाइंग भी किया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने में। लेकिन दोस्तों हाँ, ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक का जो हाई लो देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 25 जुलाई और अभी अगस्त चल रहा है, मतलब लगभग एक महीने तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक महीने के करीब आकर के हुआ दोस्तों, और अभी कंपनी 2000 के लेवल को टच नहीं कर रही है। तो मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा आप रिस्की कर सकते हैं। हालांकि ये कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों, मतलब क्या है 7 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों, और जिसमें 16% माल डिलीवरी में उठाए, मतलब कौन है दोस्तों जो भागते हुए शेयर को पिक करते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ट्रेडर्स की बात करें तो उन्होंने सुबह बाइंग किया और शाम को सेलिंग कर दिया दोस्तों। तो हालांकि बता देते हैं कि नॉर्मल ट्रेडर दोस्तों इन स्टॉक में फंस भी सकते हैं।
फंस भी सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, फंसने का मतलब ऐसा नहीं है, हाँ लॉन्ग टाइम के पर्पस से आपने अगर निवेश किया है तो आप फंसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम में जो है कि ये सब चलते रहते हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी ने 1000% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे दोस्तों आपसे बना है, इस समय जो तेज़ी देखने को मिल रही है PSU सेक्टर में ही देखने को मिल रही है। तो किसी समय दोस्तों PSU सेक्टर में ही निवेश हुआ था, मतलब IRCTC की बात करें, हालांकि IX जो है कि एक प्राइवेट कंपनी थी दोस्तों, जो कि मतलब उन सभी स्टॉक की बात करें, MCX की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनमें तरफा तेजी देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक की आज क्या हालत है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नंबर पेश कर दे या कुछ भी कर दे दोस्तों, कुछ भी इतना दोस्तों खास मतलब देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक रिस्की स्टॉक आप कर सकते हैं, इस समय रिसेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके पहले की चार्ट की बात करें तो कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी जबरदस्त गिर सकती, लगभग 1500 से 1400 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर हम तेज़ी की बात करें दोस्तों तो मेरा जो लास्ट 2000 का टारगेट था दोस्तों उसको कंपनी ने अचीव कर लिया, हालांकि हो सकता है कि उसी के आसपास से कंपनी चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू दोस्तों।